आज से दो दिवसीय भूटान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के प्रधानमंत्री लोताय त्शेरिंग संग करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच 10 एमओयू होंगे साइन। डोकलाम विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। यात्रा के दौरान कुछ धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे पीएम। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पहली बार लद्दाख जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आदि महोत्सव 2019 का करेंगे उद्घाटन। मोदी सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर घोषित किया है केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर में आज से दोबारा बहाल होगी दूरसंचार सेवा। कई जगहों पर धारा 144 में नहीं मिलेगी छूट। एनएसए अजीत डोभाल की टीम कर रही है अलग अलग इलाकों का दौरा। इंटरनेट सेवा पर फिलहाल लगी रहेगी रोक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी की दो दिवसीय चिंतन बैठक आज से होगी शुरू। हर राज्य के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता को हर हाल में हरा कर रहेंगे। आरजेडी को फिर सियासी पटरी पर लाने की कोशिश जारी। राबड़ी देवी की अध्यक्षता में आज भी जारी रहेगी बैठक। तेजस्वी यादव हो सकते हैं मीटिंग में शामिल। वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पूर्व जिला अध्यक्षों संग करेंगे पार्टी की स्थिति पर चर्चा। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ खेल सकते हैं हिंदुत्व कार्ड। महाकाल मंदिर एक्ट में जल्द सुधार और बड़े फेरबदल को लेकर आज करेंगे बैठक। मंदिर में वीआईपी कल्चर कम करने का भी हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी परेशानी। आज भी सड़कों पर उतरेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील। प्रयागराज में शिक्षा ट्रिब्यूनल की मांग को लेकर वकील करेंगे हड़ताल। हाई कोर्ट से सुभाष चौक तक निकाला जाएगा जुलूस। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। राजस्थान मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात। भीषण बारिश की चपेट में आने से केरल और कर्नाटक में करीब 100 लोगों ने गंवाई जान। चारों राज्यों में राहत और बचाव कार्य जारी। और आज से होगा दिलीप ट्रॉफी का आगाज। बेंगलुरु में खेला जाएगा 58वें सीजन के मुकाबले। शुभमन गिल, फेस पजल और प्रियंक पांचल जैसे युवा खिलाड़ियों को मिली है अलग अलग टीमों की कमान। 8 सितंबर तक चलेगा टूर्नामेंट।